नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई जाने वाले वी जाने वाले लोगों के बारे में। आप लोग बहुत सारे दुबई जाते होंगे, जी हाँ, और आते भी होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया से या किसी भी देश से दुबई जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कि एयरपोर्ट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है कि आप क्या सामान लेके जा सकते हैं, कौन सा सामान पे प्रतिबंध है, कौन सा सामान पे आपसे शुल्क यानी आपसे एयरपोर्ट टैक्स लिया जा सकता है, जी हाँ, कितना सामान टैक्स फ्री है। अगर आपने इसमें गड़बड़ी की तो आपके खिलाफ़ में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जी हाँ, कितने पैसे, गोल्ड वगैरह, डिटेल से हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान आप इधर उधर से ऐसे लेके जाते हैं जिसको आपको एयरपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जी हाँ, इससे रिलेटेड डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, अगर आप मान लीजिए इंडिया से जा रहे हैं या किसी भी देश से जा रहे हैं, सामान तो आप लेके जाते होंगे नो डाउट, और कुछ सामान ऐसा होता है कि आप उसको एक एक्स्ट्रा के रूप में कि यार चलो हमारे ये सामान इतने दिन तक काम आ जाएगा, फिर आगे देखेंगे और मंगवा लेंगे, ऐसा आप लोगों की थिंकिंग होती होगी। और कुछ सामान का आपको पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को, तो वो यूं ही डाल के ले जाते हैं एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान, क्योंकि स्कैनिंग होता है आपका सामान। अब आप सोचोगे यार क्या दिक्कत है, इंडिया में तो चेक नहीं होता, स्कैनिंग होता है, उसमें पता लग जाता है कि इसमें सामान क्या है। फिर आपको साइड में करके आपकी तलाशी लेना, पूरा सामान उथल पुथल करना, अगर वो इलीगल है तो उसके खिलाफ में फिर कार्रवाई हो सकती है भाई। इस बातों का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जी हाँ। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप तोहफे, मान लीजिए आप इंडिया से जा रहे हैं दुबई और आपको लगता है कि यार आपके वहाँ फैमिली है, आपके लोग हैं, आपको बर्थडे या फिर मैरिज वर्क कुछ भी हो, यहाँ से आप तोहफे लेके जा रहे हैं, जी हाँ, तो वो 3,000 दुबई दिरहम तक की कीमत के तोहफे हो सकते हैं। ये नहीं कि आपने 10 लाख 20 लाख तक के तोहफे डाल लिए और आप लेके जाएँ, तो उनका आपको फिर टैक्स, एयरपोर्ट टैक्स देना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए, जी हाँ। सेकेंड ऑप्शन पर अगर बात करें तो अगर आप बहुत सारे यार लोग आप नशा करते होंगे तो आपको लगता है कि यार वहाँ सिगरेट महंगी है, चलो यहाँ से लेके जाएं, या फिर कई लोगों को यहीं की सिगरेट अच्छी लगती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, सिया साथ वाले बोल देते हैं यार ले आना 400 सिगरेट। आप ध्यान रखिए, जो फोर स्क्वायर वगैरह जिनको भी आप अलग अलग सिगरेट बोलते हैं, वो 400 सिगरेट तक आप लेके जा सकते हैं बिना छूट के, जी हाँ, उसमें छूट रहेगी, कोई टेंशन, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, जी हाँ। तीन नंबर पे बात करें तो सिगार, जो लोग सिगार पीते हैं ना भाई, मोटे वाला जो फिल्मों में देखा होगा लोग पीते भी हैं, उसकी क्वांटिटी है 50, जी हाँ, 50 सिगार आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोग भाई तंबाकू का सेवन करते हैं, जो अलग अलग तरीके से सिगरेट में डालने के लिए, या फिर लोग हुक्का भी पीते हैं, अलग तरीके से कैसे भी पी सकते हैं। तंबाकू 500 ग्राम, जी हाँ, यानी आधा किलो तंबाकू आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, जी हाँ। पैसा कितना, इम्पोर्टेंट बात यह कि पैसा या फिर बोल दें नगद या फिर चेक बोल सकते हैं या फिर गोल्ड बोल सकते हैं, ये अगर आप लेके जाते हैं तो 60,000 दुबई दिरहम तक आप साथ में लेके जा सकते हैं, जी हाँ, आप समझ रहे हैं भाई, 60,000 दुबई दिरहम आपके लिए तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भाई ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको 60,000 दुबई दिरहम कुछ नहीं है उनके लिए, वो आराम से ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। 60,000, चाहे आप गोल्ड लेके जा रहे हैं, चाहे कोई आभूषण लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, उसकी कीमत होनी चाहिए 60,000 दुबई दिरहम। जैसे इंडिया से आप दुबई से इंडिया आते हैं ना, तो आपने देखा होगा 50,000 तक आप गोल्ड फ्री के लेके आ सकते हैं, वैसे ही दुबई सरकार ने भी ये कर रखा है भाई, 60,000 तक के आप अपना कोई पैसा है वो भी लेके आ सकते हैं, 60,000 दराम तक आप साथ में लेके जाओ, नगद है चेक है तो भी 60,000 दराम से ऊपर नहीं होना चाहिए, गोल्ड है तो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे के पास अलग पैसा है, 60,000 आपके पास है, तो वो पैसा आपके साथ में ऐड किया जाएगा, 18 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अब पालतू जानवर भी, अब पालतू जैसे एनिमल्स होते हैं, कुत्ते वगैरह भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी इनका आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे लोग अपने साथ में जैसे मूवी की हैं सीडी वगैरह वो लेके जाते हैं, इवेंट कैमरे हो गए, और भी उनका कोई सामान है, प्रिंट है, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है सामान, मेकअप का सामान, खाद्य पदार्थ, डिवाइस, जो वायरलेस डिवाइस हैं, ड्रोन है, जी हाँ, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है। अब दवाई की बात कर लेते हैं भाई, दवाई की अगर बात करें, ये सामान है आप
निर्धारित क्वांटिटी में इसको आप लेके जा सकते हैं। अगर ज़्यादा लेके जाते हैं तो आपके ऊपर फिर शुल्क लिया जा सकता है, आपके दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, अब दवाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है भाई, दवाई, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं, उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आप दवाई लेके जाते हैं या फिर आपके साथ वाले वहाँ पर रहते हैं तो वो आपसे दवाई की मांग करते हैं कि यार दवाई लेके आना। तो देखिए, 3 महीने तक की दवाई आप साथ में लेके जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 महीने से ऊपर अगर आप दवाई लेके जाते हैं तो पूरा उसका सर्टिफिकेट वगैरह वो देने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर की लिखित में एप्लीकेशन वो होनी चाहिए, उसकी स्लिप होनी चाहिए, या फिर आप जिस हॉस्पिटल से दवाई लिए हैं लिखित में रिकॉर्ड होना चाहिए उनका कि ये दवाई ये बंदा इस काम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके जा रहा है। इस चीज़ों का आपको लिखवाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप लिखवाओगे नहीं तो भाई आपको दिक्कत आ सकती है। और ये सब जो दवाई हैं वो उनका एक अलग से दवाई रखने का स्टोर होता है, उसी में आप दवाई ये लेके जाएँ, वरना आपको दिक्कत एयरपोर्ट पर हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे बैग में डाल लिया तो स्कैनिंग होती है तो उसमें फिर वो आ जाता है पूरा सिस्टम। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, खास तौर से दवाई से रिलेटेड। आपको समझ में आ गई होगी, 3 महीने तक की दवा आप आराम से लेके जा सकते हैं साथ में। 3 महीने से ज़्यादा होती है तो उसको लिखित में लेके जाएं। बहुत सारे लोगों को सर मैं 10 दिन की दवा लिखित में, उनको कोई ज़रूरत नहीं भाई, 3 महीने तक आप आराम से लेके जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। उससे ज़्यादा होगी तो आपको एविडेंस की ज़रूरत होती है, ये बीमारी है, इतने टाइम से ये बीमारी है, ठीक है जी, ये डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा है, ये दवा इस चीज़ की है, इस बीमारी में इसके, मतलब वो पूरा विवरण उसमें होना चाहिए जी, उसमें फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। नवासर नवासर जो सूंघने की एक अलग से नशीली चीज़ होती है, पान, मादक पदार्थ, ये सब बंद हैं भाई, ये आप साथ में नहीं लेके जा सकते। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एयरपोर्ट पे एक आई डिक्लेयर एक अलग से एक सिस्टम होता है, उस ऐप पे आप अपने सिस्टम में आप उनके सामने अपनी सूची प्रदर्शित कर सकते हैं, ताकि उसमें दिक्कत नहीं है। 4 से 5 मिनट में पूरा प्रोसेस हो जाता है, और उसमें आप कर देते हैं ना आई डिक्लेयर में, तो आपको होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही निकाल देंगे आप, तो उसमें आपको फिर कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उसमें ध्यान नहीं रखेंगे, कल को आपका बैग में चेकिंग के दौरान या उसके स्कैनिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो भाई आपके खिलाफ़ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इनसे बचना ज़रूरी है। दुबई का लेबर लॉ आप सबको पता है, या गल्फ देशों का लेबर लॉ आप सबको पता होना चाहिए, सख्त है, फिर वहाँ पर माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको, जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह है कुछ मैंने बताया, उसमें आपको टैक्स दे के छोड़ देते हैं। कुछ नशीली चीज़ें होती है ना, उनमें भाई आपको पता है दिक्कत आती है, मादक पदार्थ वगैरह में समझ गए होंगे आप, नशीली चीज़ें, इनको तो फिर आपको जेल होगी, सीधी सीधी बात बता दूँ। ये नहीं कि आप टैक्स ले लो और हमें छोड़ दो, ऐसा नहीं होने वाला है, कार्रवाई होगी, आपको अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको देखा होगा कतर में एक माजरा आया था, कतर में उनके नशीली पदार्थ निकला तो 10 साल की सज़ा हो गई थी, वो तो चलो इंडियन सरकार ने कोशिश करके उनको निकाला, 2 साल निकल गए तो भी निकालते। तो इन चीज़ों से सबको आपको बचने की ज़रूरत है, और भी इसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।